नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 में। रीवा के मशहूर शायर रफीक रिवानी के ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड छुपाकर फर्जी पासपोर्ट बनवाने पर मामला दर्ज हो चुका है। वर्ष 2016 सहित अन्य अपराधों में सम्मिलित होने के बावजूद रफीक दीवानी के द्वारा पुलिस को भ्रमित करते हुए गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर पासपोर्ट बनवाने का प्रयास किया जा रहा था। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में रफीक रिवानी सहित अन्य के ऊपर गंभीर अपराधों पर मामला दर्ज हो चुका है, जो मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। मौजूद इसके रफीक रिवानी ने गलत हलफनामा देकर फर्जी पासपोर्ट बनवाने का प्रयास किया। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि आवेदक के ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आवेदक के ऊपर फर्जी पासपोर्ट बनवाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें थाना सिटी कोतवाली में एक कार्रवाई की गई है, जिसमें जो शायर है रफीक अहमद खान उर्फ रफीक रिवानी, इन पर कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा पासपोर्ट बनाने हेतु आवेदन दिया गया था और जब इसका वेरिफिकेशन किया गया और इनको बुलाया गया कथन के लिए, तो इनके द्वारा बताया गया कि इन पर किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं है, ना ही इनके खिलाफ न्यायालय में कोई भी कार्रवाई अभी वर्तमान में संस्थित है। जब इस चीज का वेरिफिकेशन किया गया थानों से, तो इनका थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया और इनके द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था स्टाम्प पेपर पर कि इनके एक खिलाफ कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं है। इस कारण से इन पर IPC की धारा 181, 193, 199, 200 के तहत साक्ष्य छुपाने और झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण कार्रवाई की गई है। साथ ही पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत इन पर कार्रवाई की गई है और वर्तमान में इस पर जांच जारी है। अभी वर्तमान में इस पर 2016 में सिविल लाइन थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो कि जांच के दौरान सामने आया है। रफीक अहमद खान उर्फ रफीक रिवानी।